हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पेंदु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में त्रिपुरेश्वरी टेम्पल एक्सप्लोर करके दिखाया था। मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, आप देख सकते हैं क्लिक करके, अगर नहीं देखा है तो। मैं उसी दिन भुवनेश्वरी टेम्पल भी गया था मातावारी से, जो 15-20 मिनट की दूरी में आता है मातावारी से। तो मैं बोला था कि भुवनेश्वरी टेम्पल का अलग एक ब्लॉग लेके आऊँगा, तो इस वीडियो में भुवनेश्वरी टेम्पल पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो फ्रेंड्स, मैं माताबारी से जा रहा हूँ भुवनेश्वरी टेम्पल, और 15-20 मिनट तक लग जाएगा यहाँ से। आप देख सकते हैं गूगल मैप में साइड में। फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं भुवनेश्वरी टेम्पल। तो ये जो रास्ता है, इसी से जाना पड़ेगा, और थोड़ी देर बाद हम लोग गोमती रिवर क्रॉस भी करेंगे। एक ब्रिज आएगा, तो भुवनेश्वरी टेम्पल रिवर के उस तरफ है, रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वो ब्रिज आ गया है जिसके बारे में बोल रहा था आपको। तो अभी गोमूत्री रिवर क्रॉस करेंगे। देखिए, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। इधर भी एक छोटा सा टेंपल है, लेकिन मेन जो टेंपल है भुवनेश्वर टेंपल, वो थोड़ा आगे चल के है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बाइक उधर ही पार्क करेंगे, फिर इस तरफ चल के आएंगे। और इधर दाएं तरफ है राजबाड़ी, एक पुराना सा बिल्डिंग दिख रहा होगा आपको। ये है राजबाड़ी भुवनेश्वर, यहाँ पे राजा गोविंद वाणी के बैठते थे और राजभार संभालते थे। और इधर लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं। आप देख सकते हैं कितना गाड़ी है, सब लोग पिकनिक के लिए आए हैं यहाँ पे। तो चलेंगे सीधा, और इधर तो सीधा मंदिर दिख रहा है, वही है मेन भुवनेश्वरी टेम्पल। तो बाइक इधर पार्क कर लेंगे हम लोग, फिर दिखाएंगे आपको अच्छे से। चलिए, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टेम्पल की तरफ, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए कितना लोग आए हैं इधर पिकनिक के लिए, ये एक पिकनिक स्पॉट है। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही और भी ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोग के लिए, सुब्रह और मैं दोनों मिलके। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर नए हैं आप लोग चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी हम लोगों को। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो ये रहा भुवनेश्वरी टेम्पल, और इधर बाएं तरफ है पिकनिक स्पॉट, आप देख सकते हैं। और वहाँ है राजबाड़ी, राजबाड़ी भी मैं जाऊँगा, पहले भुवनेश्वरी टेम्पल देख लूँगा घूम के, फिर राजबाड़ी जाऊँगा। तो चलिए टेम्पल की तरफ चलते हैं। अभी दिसंबर का महीना है, पिकनिक सीजन है, आप देख सकते हैं कितना लोग आए हैं इधर। मैं लास्ट आया था नवंबर में, तो अब इतना भीड़ नहीं था, एकदम खाली खाली था, लेकिन आज नज़ारा कुछ और ही है, अच्छा ही लग रहा है। तो टेम्पल के अंदर भी चलूँगा, पहले बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। और इधर नदी में जाने का एक रास्ता है, इधर से आप सीधा जाते रहेंगे तो नदी मिलेगा आपको, उधर ही है नदी गोमती रिवर। और उधर एक टावर भी है, उसके ऊपर आप चढ़ के देख सकते हैं नदी का जो नज़ारा है, अच्छे से देख सकते हैं ऊपर टावर में चढ़ के। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ये जो भुवनेश्वरी टेम्पल है, इस टेम्पल के अंदर कोई मूर्ति नहीं मिलेगा आपको। टेम्पल है, सब कुछ है, पूजा भी होता है, लोग जाके प्रणाम करके आते हैं, लेकिन कोई मूर्ति नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। इसके पीछे एक खास कारण है, मूर्ति क्यों नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे पहले बलि होता था,
नरे बलि भी होता था एक समय, इसके बाद महेश बलि होता था, 101 महेश बलि चढ़ाया जाता था दुर्गाष्टमी के दिन। तो राजा ने क्या किए, महेश बलि को वो बलि प्रथा जो है इसको बंद करवाने के लिए अलग अलग रूल्स लाए थे, लेकिन उस तरह से कोई मान नहीं रहे थे, मतलब रूल्स रूल्स की जगह और लोगों की जगह। तो राजा गुस्सा होकर क्या किए, बलि प्रथा बंद करने के लिए जो मूर्ति है मंदिर का, मूर्ति को विसर्जन कर दिए थे, मतलब ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी इस तरह का। तो इसके बाद जो बलि प्रथा है वो बंद हो गया है यहाँ पे। तो यही है इस मंदिर का हिस्ट्री, इसीलिए मंदिर के अंदर आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, एकदम खाली है। तो देखिए दिखाता हूँ आपको, देखिए एकदम खाली मंदिर है, अंदर कोई मूर्त नहीं है। तो यही है इसका स्टोरी, मैं आपको बता दिया। तो चारों तरफ एक राउंड मार के दिखा देते हैं आप लोगों को। एकदम गोमती नदी के जो पास में ये मंदिर है, गोमती नदी के तट में ये मंदिर बनाया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक नोवेल है राजर्षि, इस नोवेल में इस मंदिर का जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है, इसका जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो राजा महाराजा है गोविंदमाणिक्य और नक्षत्र राय, उन लोगों का जो स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर ने राजर्षि नोवेल में इसको वर्णन किए थे अच्छे से, इस मंदिर का कहानी। तो मैं जो बलि के बारे में आपको बता रहा था, दुर्गाष्टमी के दिन जो 101 महिष बलि चढ़ाया जाता था मंदिर में, तब क्या होता ना, वो पास में जो गोमती रिवर है इसका पानी जो है लाल पड़ जाता था। तो इसको लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखे थे, एतो रक्तो केनो, बंगाली में एतो रक्तो केनो, इसका हिंदी में मतलब है इतना खून क्यों। तो आप समझ लीजिए कितना बलि चढ़ाया जाता था, नदी का पानी लाल पड़ जाता था, तो इसीलिए राजा ने गुस्सा होकर मूर्ति विसर्जन कर दिए थे बलि प्रथा बंद करवाने के लिए। तो यह है मंदिर का स्टोरी। तो अभी चलेंगे राजबाड़ी की ओर, टेंपल तो देख लिए, और देखिए इधर से एक रास्ता भी जाती है, मैं आपको दिखाया था आप इधर, ये आपको नदी जाना है तो इस तरफ आप जा सकते हो। तो मैं राजबाड़ी तो जाएंगे, तो इससे पहले थोड़ा पिकनिक स्पॉट दिखा देते हैं आप लोगों को, और बहुत क्राउड है यहाँ पे, पिकनिक चल रही है, लोग गाना बजा के नाच रहे हैं इस तरफ, और इधर और एक टेम्पल है छोटा सा। तो मेन भुवनेश्वर टेम्पल में तो मूर्ति नहीं है, मैं बताया था आपको, यहाँ पे अलग से और एक मंदिर बनाया गया जिसके अंदर मूर्ति है, तो प्रणाम करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको नदी दिखा देता हूँ, इधर जो पिकनिक स्पॉट है इधर से नदी दिखता है, उस तरफ से मैं दिखा देता हूँ आपको, रहा गोमती रिवर आप देख सकते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स पिकनिक स्पॉट देख के आया, अभी जा रहे हैं राजबाड़ी की तरफ, बहुत क्राउड था वहाँ पे, पिकनिक चल रहा है, दिसंबर का महीना है, पिकनिक सीजन है, तो देखते हैं, पता नहीं मेरा वॉयस कितना आया, अगर ठीक तरह से नहीं आता है तो मजबूरन मुझे वॉयस ओवर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक स्टैचू भी लगाया है, देख सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा में 7 बार आए थे, और त्रिपुरा के राजा महाराजाओं को लेके बहुत कुछ लिखे थे। देखिए रविंद्रनाथ जी का स्टैचू भी यहाँ पे है, एकदम राजबाड़ी के सामने।
चलिए अभी राजबाड़ी दिखाएंगे आप लोगों को। महाराजा गोविंद मानिक यहीं पे बैठते थे और इस राजबाड़ी को जो इसका जो हिस्ट्री है राजबाड़ी का, इसको लेके भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका वर्णन किए थे। राजर्षि जो नोबेल है इसमें इसका वर्णन किए थे। तो एक बार सिंहासन को लेके गोविंद मानिक और उनका छोटा भाई छत्र मानिक को, जिसको नक्षत्र राय भी कहते थे, दोनों के बीच में पूरा क्लैश हुआ था सिंहासन को लेके, मुकुट को लेके। तो इसको लेके भी रविंद्रनाथ ने एक नाटक लिखे थे जिसको मुकुट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उधर एक मंच है जिसका नामकरण भी उसी रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपन्यास है राजर्षि, उसी के नाम से इस मंच का भी नामकरण किया गया है। इस मंच का नाम है राजर्षि मुक्तो मंचो। मैं दिखाऊंगा आपको सामने चल के। और इसी मंच के एकदम अपोजिट में है राजबाड़ी। तो पहले आपको वो मंच दिखा देता हूँ। तो देखिए यह है राजर्षि मुक्तो मंचो। तो यहाँ पे दीवार में कुछ तस्वीर भी है जो राजा का, जो कहानी है राजा गोविंद मानिक का, फिर उनका छोटा भाई नक्षत्र मानिक का, तो उनका जो कहानी है उस टाइम का, उसको लेके कुछ स्टोरी का यहाँ पे वर्णन किया गया है पिक्चर के जरिए। एक्चुअली दोनों के बीच सिंहासन मुकुट को लेके थोड़ा क्लैश हुआ था। एक्चुअली गोविंद मानिक का जो छोटा भाई है छत्र मानिक को, जिनको नक्षत्र राय के नाम से भी जाना जाता था, वो एक्चुअली सिंहासन के लिए गोविंद मानिक को मतलब मर्डर करने का भी एक प्लान बना लिया था। तो ये बात गोविंद मानिक को पता चल गया था लेकिन वो नहीं बताया। तो एक दिन गोविंद मानिक ने नक्षत्र राय को समझाने के लिए एक घने जंगल में लेके गए। फिर उस जंगल में ही वो नक्षत्र राय गोविंद मानिक को मर्डर करने वाले थे। तो जब तलवार निकाले तो गोविंद मानिक उनको समझाए, बोले कि देखो तुम्हें मुकुट चाहिए, सिंहासन चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम संभल पाओगे। तो उस टाइम पे गोविंद मानिक नक्षत्र राय को एक बात बताए थे, बंगला में है, बंगला में आपको बता रहा हूँ, मुकुट पोरा सहज मुकुटेर भार बहन करा कठिन, मतलब मुकुट पहनना आसान है लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये बात मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीनिंगफुल है। तो गोविंद मानिक को अच्छे से समझाए कि नक्षत्र राय को पता चल गया उनका गलती का एहसास हो गया था, तो उनके हाथ से जो तलवार है वो मिट्टी में गिर पड़ा था, तो उनको भी गलती का एहसास हो गया था। तो ये है यहाँ का स्टोरी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राजर्षि नोबेल है इसमें सब वर्णन किया है अच्छे से, और इसको लेके एक छोटा सा नाटक भी है जिसको मुकुट कहते हैं। तो मैं पहुंच गया राजबाड़ी के सामने। तो राजबाड़ी के अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे, पहले बाहर से देख लीजिए आप अच्छे से। बहुत पुराना है, दीवार देख के पता लग रहा है आपको बहुत पुराना है ये इमारत, और अंदर छोटा छोटा कुठरी भी है, ये शायद कक्ष था। और अभी ऊपर ओपन है, कुछ नहीं है, शायद पहले कुछ था पहले जो अभी नहीं है, अभी सिर्फ दीवार ही रह गया है। तो महाराजा गोविंद मानिक कहीं पे बैठ के राजभार संभालते थे। तरह भी एक कुटरी है, दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा छोटा कुटरी है, देख लीजिए आप। ये एक्चुअली एक कॉरिडोर होगा उस जमाने में, देख सकते हैं।
ज़्यादा भरा नहीं है ये महल, छोटा ही है लेकिन छोटे में बहुत अच्छा है। अच्छे से इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है, छोटा छोटा कुठरी भी है उस तरफ। तो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस से ये जगह बहुत ही अच्छा है, आप लोग आ सकते हो इधर अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, त्रिपुरा का हिस्ट्री जानना है आपको अच्छे से, त्रिपुरा का जो माणिक्य डायनेस्टी है उन लोगों का स्टोरी जानना है, तो इस तरह का प्लेस में आप आइए, हिस्टोरिकल प्लेस में। तो इस छोटे से ब्लॉग में मैं आपको पूरा दिखाने का कोशिश किया, त्रिभुवनेश्वरी टेम्पल भी दिखाया, फिर पिकनिक स्पॉट दिखाया, गमत्री बार दिखाया, फिर ये राजबरी भी दिखाया। तो आप भी कभी उदयपुर आते हो माताबारी देखने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सुबह सुबह आइए, पहले माताबारी देख लीजिए, इसके बाद इधर चले आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट ही लगता है, आप ऑटो रिजर्व करके भी आ सकते हो, अच्छा लोकेशन है, अच्छा लगेगा आपको, गमत्री बार भी देख सकते हो आप। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, ये सब कुछ दिखाया आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगा इस नया ब्लॉगर को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।